चुनावी चंदे वाले हर बॉन्ड को SBI देने वाले के नाम और KYC डिटेल के साथ रजिस्टर करती है। फिर जब कोई पार्टी उस बॉन्ड को जमा कराती है तो SBI बॉन्ड नंबर की जांच करती है। SBI ये आश्वस्त करती है कि ये बॉन्ड पिछले 15 दिनों में खरीदा गया था या नहीं, और इस सब के बाद भी डेटा जमा करने के लिए SBI को 140 दिनों की मोहलत चाहिए। ये तर्क था ADR की तरफ से एडवोकेट प्रशांत भूषण का। वो SBI के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और उनका तर्क सुनकर CJI DY चंद्रचूड़ ने कहा कि आपकी बात में दम है। यही कहकर वो SBI के खिलाफ कोर्ट की अवमानना पर सुनवाई करने के लिए राजी हुए। लेकिन सुनवाई से पहले इसमें एक और पार्टी की एंट्री हो गई है। SBI के खिलाफ और कौन कोर्ट पहुंचा, CJI चंद्रचूड़ ने क्या कहा और अब तक इस मामले में क्या क्या हुआ है, आइए विस्तार से समझते हैं। लोकसभा चुनाव के ऐलान से पहले इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी को एक बड़ा फैसला सुनाया था। CJI चंद्रचूड़ की बेंच ने मोदी सरकार द्वारा लाए गए चुनावी बॉन्ड स्कीम को अवैध करार देते हुए उस पर रोक लगा दी थी, साथ ही उसे असंवैधानिक भी बताया था। पहले आप जरा इलेक्टोरल बॉन्ड का मतलब समझ लीजिए ताकि आगे वीडियो में जब जब ये शब्द आए तो आपको उसको समझने में आसानी हो। 2018 में केंद्र सरकार इलेक्टोरल बॉन्ड लेकर आई। इलेक्टोरल बॉन्ड किसी गिफ्ट वाउचर की तरह होता है। सरकार हर साल 4 बार जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर में 10-10 दिन के लिए बॉन्ड जारी करती है। मूल्य होता है 1,000, 10,000, 10 लाख या 1 करोड़ रुपए। राजनीतिक पार्टियों को 2,000 रुपए से अधिक चंदा देने वाला इच्छुक कोई भी व्यक्ति या कॉरपोरेट हाउस भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI की तय शाखाओं से ये बॉन्ड खरीद सकता है। इलेक्टोरल बॉन्ड मिलने के 15 दिनों के अंदर राजनीतिक पार्टियों को इन्हें अपने खाते में जमा कराना होता है। बॉन्ड बना रही पार्टी को ये नहीं बताना होता कि उसके पास ये बॉन्ड आया कहाँ से, और दूसरी तरफ भारतीय स्टेट बैंक को भी ये बताने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता कि उसके यहाँ से किसने कितने बॉन्ड खरीदे। ये जो मोदी सरकार बॉन्ड लेकर आई थी उसके तहत तय किए गए नियम कायदे कानून थे। अब इसी इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। इस फैसले के पीछे क्या तर्क था, अब जरा ये समझ लेते हैं। CJI चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच का तर्क था इलेक्टोरल बॉन्ड RTI यानी सूचना के अधिकार का उल्लंघन करता है। जनता के पास चुनावी पार्टियों को मिलने वाली फंडिंग जानने का पूरा अधिकार है। फिर कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि SBI को 2019 से अब तक सारे इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी 3 हफ्ते के अंदर चुनाव आयोग को देनी होगी और चुनाव आयोग को इन सारी जानकारियों को अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर पब्लिश करना होगा। माने डेडलाइन मिली 6 मार्च की। कोर्ट ने यह भी कहा कि बॉन्ड जारी करने वाले बैंक तुरंत बॉन्ड जारी करना बंद कर दे। कोर्ट के आदेश के बाद भी SBI ने 6 मार्च तक सारा डेटा जमा ना कर पाने की बात कही। उनका तर्क था पहले हमें डोनर की पहचान गुप्त रखनी थी, इसलिए अब इलेक्टोरल बॉन्ड की डिकोडिंग करना होगा, फिर डोनर की डोनेशन से उसे मैच करना हमारे लिए मुश्किल हो रहा है। बॉन्ड खरीद की सारी डिटेल अलग अलग ब्रांच में है और इसे किसी जगह सेंट्रलाइज्ड करके नहीं रखा जाता क्योंकि इससे डोनर की पहचान उजागर हो सकती है। मतलब SBI को डोनर की पहचान गुप्त रखनी होती है। सब इकट्ठा करके इलेक्शन कमीशन को देने के लिए SBI ने कोर्ट से 30 जून तक का समय मांगा और एक याचिका दाखिल की। इसी के खिलाफ ADR सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और कहा कि SBI सुप्रीम कोर्ट की अवमानना कर रहा है। ADR यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, ये एक नॉन पॉलिटिकल और नॉन प्रॉफिटेबल संगठन है। ये 25 साल से ज्यादा समय से चुनावी और राजनीतिक सुधारों पर काम कर रहा है। इसका उद्देश्य भारत में चुनावी प्रक्रिया को ज्यादा निष्पक्ष और पारदर्शी बनाना है। ADR का कहना है KYC के सारे जरूरी डॉक्यूमेंट इलेक्टोरल बॉन्ड की धारा 4 में लिखे हुए हैं, तो जाहिर सी बात है कि SBI को इलेक्टोरल बॉन्ड के हर खरीदार की सारी जानकारी है। ADR की तरफ से एडवोकेट प्रशांत भूषण ने कहा अब तक कुल 22,000 बॉन्ड खरीदे गए हैं और जमा किए गए हैं। SBI हर बॉन्ड को उसके नाम और KYC डिटेल के साथ रजिस्टर करती है। जब कोई पार्टी बॉन्ड जमा कराती है तो SBI बॉन्ड नंबर की जांच करती है। SBI ये आश्वस्त करती है कि ये बॉन्ड पिछले 15 दिनों में खरीदा गया या नहीं, और इस सब के बाद भी SBI को डेटा जमा कराने के लिए 140 दिनों की मोहलत चाहिए। इस तर्क को सुनकर CJI चंद्रचूड़ ने कहा आपका तर्क विश्वसनीय है, आप मामले को लिस्ट कराएं, हम इस पर सुनवाई करेंगे। आज यानी 11 मार्च को इसी मामले पर सुनवाई होनी है। इसी के साथ अब एक और पार्टी ने भी ADR जैसी ही याचिका दाखिल की है।
कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी CPIM ने भी SBI के खिलाफ कोर्ट की अवमानना पर सुनवाई के लिए याचिका दाखिल की है। वहीं SBI का तर्क सुनने के बाद विपक्ष खासा नाराज दिखा। उनका कहना है कि चुनाव से पहले SBI ये जानकारी ना देकर किसे बचा रहा है। जाते जाते ये भी समझ लीजिए कि आखिर इलेक्टोरल बॉन्ड क्यों लाया गया था। 2018 में इलेक्टोरल बॉन्ड को लागू करने के पीछे मोदी सरकार का मत था कि इससे राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता बढ़ेगी और जो साफ सुथरा धन है वो आएगा। इसमें व्यक्ति, कॉरपोरेट और संस्थाएं बॉन्ड खरीदकर राजनीतिक दलों को चंदे के रूप में देती थी और राजनीतिक दल इस बॉन्ड को बैंक में भुनाकर रकम हासिल करते थे। भारतीय स्टेट बैंक की 29 शाखाओं को इलेक्टोरल बॉन्ड जारी करने और उसे भुनाने के लिए अधिकृत किया गया था। हालांकि लंबे समय से ये आरोप लगते रहे हैं कि ये योजना मनी लॉन्ड्रिंग या काले धन को सफेद करने के लिए इस्तेमाल हो रही थी। अब आज इस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। जो भी निकल कर आएगा हम अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। बाकी आप क्या राय रखते हैं, क्या कहना चाहते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरा नाम सोनल है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए लिंटॉप देखिए। शुक्रिया।